what is the translation look aside buffer? It behaves like the cache memory, wherein the frequently accessed page numbers and their corresponding frame numbers are stored. And whenever the CPU refers to any page number, we first look for that page number in the TLB, या TLAB, और वहाँ पे पेज नंबर के कोरिस्पोंडिंग फ्रेम नंबर का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है एंड वी कैन एक्सेस दैट फ्रेम नंबर फ्रॉम देयर एंड गो डायरेक्टली टू दैट फ्रेम नंबर और द फिजिकल मेमोरी एंड एक्सेस द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड. ओके, सो अ डायग्राम इज देयर. आई होप आप सभी लोगों ने इस डायग्राम को ऑलरेडी अपने कॉपी पे ड्रॉ कर लिया होगा. आई कैन explain this again, what's happening in this diagram. Okay, so CPU is referring to the logical address. The logical address has two components, the page number and the offset. We need the corresponding frame number for the page number given. So that page number is usually kept in the page map table or the page table. And page table is there in the main module. And your data or your instruction is also there in the main memory. Since both the things are there in the main memory, we have two memory references for accessing to the instruction. One for finding out the frame number corresponding to the page number, and the other one is for finding out the instruction which is stored there in the main memory. So there are two memory references. To reduce this two memory reference, we are using the TLAB. So जैसे ही CPU refer करेगा logical address को, हम उस logical address को find करेंगे TLAB में, logical address के page number को. अगर ये page number match कर गया तो उसका frame number यही मिलेगा मुझे, और मैं frame number यहाँ से access करके physical address एक बना लूंगा, क्योंकि physical address में frame number component मुझे TLB से मिल गया, और offset सेम होगा जो कि logical address में refer किया गया. और अकॉर्डिंगली हमें अगर फिजिकल एड्रेस मिल गया तो मेन मेमोरी में जाके इंस्ट्रक्शन को रीड कर ले. अगर मान लीजिए कि मेरा TLAB में ये नहीं मिलता, ये पेज नंबर नहीं मिलता, तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि मैं मेन मेमोरी को रेफर करूँ. मेन मेमोरी में पेज टेबल मेरे पास है और उस पेज टेबल से फ्रेम नंबर मुझे मिल जाएगा, और करस्पॉन्डिंग उसी फ्रेम नंबर को मैं ऑफसेट के साथ कॉन्कैटिनेट कर लूँगा तो मेरा फिजिकल एड्रेस में ये कन्वर्ट. So this is the process of using the TLAB hardware or the TLB hardware. So TLB is obviously a faster memory. Actually होता क्या है कि ये जो TLB होता है वो हमारा एक हार्डवेयर होता है. तो इस हार्डवेयर में आप कुछ पेज नंबर्स कॉपी कर लिए जो कि फ्रिक्वेंटली आपके यूज किए जा रहे हैं, और उसके बाद फिर इसमें रिप्लेसमेंट चलता रहेगा जैसे जैसे आपके पेज नंबर के रेफरेंसेस चेंज होंगे. बहुत ही छोटी मेमोरी होती है, कुछ सिस्टम्स में ये 64 बाइट की होती है, कुछ में 128 बाइट की होती है. तो बहुत ही छोटी मेमोरी होती है और इसीलिए फास्ट भी होती है. इट इज मच सिमिलर टू द कैश मेमोरी. नाउ वी हैव कंप्यूटेड द इफेक्टिव एक्सेस टाइम. अगर हमारा ये सिस्टम यूज़ हो रहा है TLAB का सिस्टम और हमने एक पेज नंबर को रेफर किया है, सबसे पहले पेज को TLAB में देखा जाएगा. अगर TLAB में हमें पेज मिल गया तो उस केस में हम फिजिकल एड्रेस कंप्यूट कर लेंगे, फ्रेम नंबर में मिल जाएगा TLAB से, और मेन मेमोरी पे जाके हम उस बाइट को एक्सेस करके CPU को दे देंगे. लेकिन अगर मेरा TLAB में नहीं मिला पेज नंबर मेरा TLAB में नहीं मिला, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैंने TLAB को रेफर किया था, मुझे मेरा पेज नहीं मिला, फिर मैं पेज टेबल को रेफर करूंगा जो कि पेज टेबल मेन मेमोरी में है. फिर मैं क्या करूंगा, अपने इंस्ट्रक्शन को भी एक्सेस करूंगा कि जो कि इंस्ट्रक्शन भी मेन मेमोरी. इस केस में मेरे पास दो मेमोरी रेफरेंसेस होंगे, TM प्लस TM. पहला TM है पेज टेबल को एक्सेस करने के लिए और दूसरा पेज टेबल है इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने. ठीक है, तो ये जो हिट है, अगर हिट का मतलब ये है कि हमारा जो पेज टेबल है वो मिल गया TLAB, इसका मतलब है कि मेरा पेज टेबल नहीं मिला. ठीक है, तो अगर हमने ये कहा कि 90% टाइम मुझे ऐसा होता है कि मेरा पेज नंबर TLAB में मिल जाता है, तो व्हाट विल बी द हिट रेशियो? हिट रेशियो विल बी 90/100, दैट इज 0.9. और फिर मिस रेशियो क्या होगा इस केस में? दैट विल बी 1 - h, दैट इज 0.1. ओके,
accordingly, we can apply that in the formula. You can also write 1 minus h in place of m. So this is the t effective. Accordingly, we have solved some of the problems on the last one. We have solved the first problem. Then we have to solve all these problems one by one. आप सभी लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहिए. फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ. सबसे पहले आप सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए. सेकंड प्रॉब्लम है टीएलबी हिट रेशियो पूछा जा रहा है. व्हाट इज द हिट रेशियो? प्लीज गो अहेड. सबसे पहले टी टीएलबी है विच इज गिवन एज 20 नैनो सेकंड. फिर जो मेमोरी एक्सेस टाइम है वो गिवन है 100 नैनो सेकंड. और आपको ये भी गिवन है कि जो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम है टी इफेक्टिव दैट इज 139. तो आपको फाइंड करना है हिट रेशियो. तो अप्लाई कीजिए फॉर्मूला में. टी इफेक्टिव कैसे निकलता है? टी इफेक्टिव इज इक्वल टू हिट रेशियो मल्टीप्लाइड विद टी टीएलएबी प्लस टीएम प्लस 1 माइनस एच. पहले टीएलएबी को एक्सेस करेंगे, फिर पेज टेबल को रेफर करेंगे और फिर मेन मेमोरी को रेफर करेंगे. दोनों मेमोरी रेफरेंस होती है. तो इसमें फार्मूला पुट कर दीजिए. जल्दी जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा हेट रेशियो का. सर 90%. लेट अदर्स फाइंड आउट. वन और टू मोर ऑप्शन. Yes, sir, 90%. Anyone else who has computed? 130 nanosecond is the? Yes, sir, 90%. Value we have put here. H into T TLAB is 20 nanosecond plus PM is 100 nanosecond. ध्यान रखिएगा आप नैनोसेकंड है, माइक्रोसेकंड है, मिलीसेकंड है, तो ध्यान रखिएगा जरूर से. So 1 minus H into T TLAB is 20 plus 200 plus 200. Okay, so this is h into 120 plus 1 minus h into 210. So this is equals to h into 120 plus 220 minus 220 h. Okay, so this is minus 100 h plus 220 is equals to 150. So 100 h ko aap kya likhenge? 90 likhenge. H kitna ho gaya? 0.9. इसका मतलब इसको हम लिखेंगे हिट रेशियो इज 90%. 0.9 को 90% लिखा गया. इज दैट करेक्ट स्टूडेंट? कितने लोगों ने आंसर फाइंड किया? प्लीज रेज योर हैंड जिन लोगों ने आंसर फाइंड किया. ट्वेल्व स्टूडेंट्स ओनली. 13, 15, 17. अदर्स कैन गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन. 25 is still very low. Solve the third question. In this question, the TTLAB is asked. Okay, TLAB का access time क्या है पूछा जा रहा है. जबकि given क्या है? TM given है. TM is 100 nanosecond. TLAB का जो hit ratio है वो 60% है. इसका मतलब कि 0.6 है. और T effective क्या है? 160 nanosecond. So what is TTLAB? I think you can compute it very easily. Sir, 20 nanosecond. 20 nanosecond. Who else is getting this answer? Have the computation passed? Yes, sir. Yeah, yeah. मान लेते हैं कि 20 नैनो सेकंड इज द आंसर. नाउ गो फॉर द फोर्थ क्वेश्चन. इन द फोर्थ क्वेश्चन टी टीएलएबी इज गिवन एज 20 नैनो सेकंड एंड देन मेमोरी एक्सेस टाइम हैज टू बी फाउंड. टीएलएबी हिट रेशियो इज गिवन एज 50% मीन 0.5 एंड इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम is 170 nanosecond.
Yes, what is the answer? What is 100 nanosecond? Yes, sir, 100 nanosecond. Okay, how many of you are getting 100? Please raise your hand. Still very few hands. We need to do this. I think aap bahut aasani se isko kar sakte hain. I'll wait till the last person answers. Kyunki mere paas jo responses hain wo bahut hi kam hain. Only 23 people, 24 now, 25, 26, 27, 28. This is a very simple computation. I think everyone should do this. Okay. Now, let me just rewrite the formula. What does the formula say? Formula say that P effective is equal to H into P PLAB plus PM plus 1 minus H into P PLAB plus PM. Sorry, 2 into TM. TM plus TM होगा, उसको हम 2 TM लिखते हैं। अच्छा मान लीजिए कि हिट रेशियो 0 है। अगर हिट रेशियो 0 है तो आपका इफेक्टिव एक्सेस टाइम कितना होगा? हिट रेशियो 0 होने का मतलब क्या है कि जब भी आपने पेज को रेफर किया तो आपको TLAB में कभी नहीं मिला, तो आप पेज टेबल को रेफर करेंगे, तो पेज टेबल को आप जब रेफर करेंगे तो दिस विल बी 1 into T TLAB plus 2 into TM, ठीक है? अच्छा मान लीजिए कि आप TLAB का यूज कर ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप TLAB की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। तो अगर आप TLAB की तरफ नहीं जा रहे तो सबसे पहले आप पेज टेबल को रेफर करेंगे एंड देन मेन मेमोरी को रेफर करेंगे अपने इंस्ट्रक्शन के लिए। तो टाइम कितना लगेगा उस केस में? TM plus TM टाइम लगेगा। TM plus TM का मतलब क्या हो जाएगा? 100 plus 100 अगर हम इन सभी एग्जाम्पल से देखें तो। तो अगर हमने पेज TLAB का यूज नहीं किया तो उस केस में 200 नैनोसेकंड इफेक्टिव एक्सेस टाइम है। लेकिन इनमें से कोई भी केस अगर आप कंसीडर कर लें, इसमें भी शायद 120 आना चाहिए या 130 आना चाहिए, तो इनमें से कोई भी केस आप कंसीडर कर लीजिए, जब भी आपने TLAB का यूज किया है तो उसने आपके इफेक्टिव एक्सेस टाइम को TM प्लस TM से कम कर दिया है। तो इसका मतलब TLAB इज अ गुड एक्सेस। ओके नाउ इस स्लाइड में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको एक मिनट के लिए भूल जाइए कि क्या इस पर लिखा हुआ है, क्योंकि केवल मैं जो लिख रहा हूँ आप उसको रेफर कीजिएगा। मान लीजिए कि इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, या जो हमने जो फार्मूला यहाँ पे लिखा था इस फार्मूला को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं कि जहाँ पे TLAB का टाइम है उसको हम T ले लेते हैं, जहाँ पे मेमोरी का टाइम है उसको हम M ले लेते हैं, है ना, जहाँ पे हिट है उसको हम H ले लेते हैं, और जहाँ पे मिस है उसको हम X ले लेते हैं। तो फार्मूला हम कैसे लिखेंगे T इफेक्टिव का? T इफेक्टिव विल बी इक्वल टू हिट रेशियो मल्टीप्लाइड विद T प्लस M प्लस 1 माइनस एच इंटू टी प्लस एम प्लस एम, ठीक है? अच्छा अब मान लीजिए कि मैं हिट रेशियो की जगह मिस रेशियो के हिसाब से फार्मूला लिखना चाहता हूँ, मैं हिट रेशियो की जगह मिस रेशियो के अकॉर्डिंग ये फार्मूला लिखना चाहता हूँ। मेरे लिए मिस रेशियो है एक्स, तो अगर मिस होगा तो उस केस में मैं TLAB को ऑलरेडी रेफर कर चुका हूँगा, देन पेज टेबल को रेफर करूंगा, एंड देन उसके बाद फिर मैं रेफर करूंगा मेन मेमोरी को। और अगर मिस नहीं होगा, इसका मतलब हिट होगा, हिट का मतलब 1 माइनस एक्स, तो उस केस में मैं TLAB को रेफर करूंगा और मेन मेमोरी को रेफर करूंगा, दैट्स ऑल, ठीक है? तो ऊपर का जो फार्मूला लिखा है वो हिट के हिसाब से लिखा है, नीचे वाला मिस के हिसाब से लिखा है, ठीक है? इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड करते हैं। इसको हम कहते हैं XT प्लस XM प्लस XM प्लस T प्लस M माइनस T माइनस XM, ठीक है? तो जो भी क्वांटिटीज कट रही है उनको काट दो, ठीक है? इसके बाद ये फार्मूला आया T प्लस M प्लस X इंटू
ठीक है, तो ये है टी इफेक्टिव। टी इफेक्टिव का फार्मूला हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया, जब मिस रेशियो के हिसाब से हमने फार्मूला निकाला तो फार्मूला थोड़ा और इजी आ गया। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए कि हमारा हर बार हिट ही होता है, तो हिट रेशियो कितना होगा? मान लीजिए कि हर बार हिट होता है, जितनी बार हमने प्रयास किया लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए, हर बार हिट हो जाता है, तो हिट रेशियो कितना होगा? 100% होगा। इसका मतलब इसको हम h को 1 लिख सकते हैं। अच्छा अगर हम h को 1 लिख रहे हैं तो x कितना होगा? 0 0 x को 1 माइनस h होता है। तो मान लीजिए कि अगर आप x की वैल्यू यहां 0 रखते हैं तो t इफेक्टिव कितना आएगा? t प्लस m। तो बात सही भी है कि मान लीजिए अगर हर बार हिट हो तो मेमोरी एक्सेस टाइम तो इतना ही लगेगा ना, t प्लस m। x की वैल्यू आपने 0 यहां पे रखा, ये पूरी क्वांटिटी x इंटू m 0 हो गया, t प्लस m आ गया, तो t इफेक्टिव t प्लस m आया। इसका मतलब क्या है कि t इफेक्टिव t प्लस m से कम नहीं हो सकता, या तो इतना होगा या इससे ज्यादा। यही बात यहाँ पे इस डायग्राम में बताई, ठीक है? क्या बताई गई इस डायग्राम में? यहाँ पे है TLB मिस। मिस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इफेक्टिव एक्सेस टाइम बढ़ रहा है, ठीक है? एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल की स्ट्रेट लाइन, इफेक्टिव एक्सेस टाइम हमारा ही है। तो हमारा क्या है कि TLB मिस जैसे जैसे बढ़ रहा है, इफेक्टिव एक्सेस टाइम भी हमारा वैसे बढ़ रहा है, लेकिन इन एनी केस इफेक्टिव एक्सेस टाइम टी प्लस एम से कम नहीं हो सकता, तो टी प्लस एम या उससे ज्यादा। कैसे हमने निकाला ये इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम हमने कैसे निकाला, या टी इफेक्टिव हमने कैसे निकाला? दिस इज इक्वल्स टू टी प्लस एम प्लस एक्स इंटू एम। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन को। अगर हम ये मान लें कि ये टी प्लस एम कॉन्स्टेंट है, और होगा भी ना, क्योंकि TLB को एक्सेस करने का टाइम भी कॉन्स्टेंट होगा और मेमोरी को भी एक्सेस करने का टाइम कांस्टेंट होगा। और हम मान लें कि एक्स हमारा एक वेरिएबल है, क्योंकि हिट रेशियो मिस रेशियो ये सब चेंज होता रहे, और मेमोरी एक्सेस टाइम अगेन एक कांस्टेंट है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप का एक फार्मूला बन रहा है, बन रहा है या नहीं? वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप का फार्मूला बन रहा है। वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी किसका फार्मूला होता है बताइए? स्ट्रेट लाइन का होता है। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन का फार्मूला निकाल लिया एक्चुअली यहाँ पे। फिर से देखिए इस फार्मूला को, बिल्कुल क्लियर क्लैरिटी होनी चाहिए आपको इसमें। आपने क्या किया, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम मिस रेशियो के हिसाब से निकाला। अब जो टी है मतलब कि TLB का एक्सेस टाइम, एम मतलब मेमोरी एक्सेस टाइम, ये कॉन्स्टेंट है। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है टी इफेक्टिव या और हिट रेशियो या मिस रेशियो, ये चेंज होंगे। तो इफेक्टिव टाइम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम वाई ले लेते हैं लिखते, राइट हैंड साइड में है एक्स जो कि चेंज हो रहा है, और एम आपका कांस्टेंट है। तो इसको मैंने रीराइट किया है एम इंटू एक्स प्लस इस टी प्लस एम को हमने कांस्टेंट मान लिया, ठीक है? सी इक्वल्स टू टी प्लस एम हमने मान लिया कांस्टेंट। तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप का एक फार्मूला है, जिसमें एक्स एक्सिस पे क्या है, TLB मिस एक्स है, और इफेक्टिव एक्सिस टाइम क्या है, वाई है, ठीक है? और ये स्ट्रेट लाइन हमारी बन रही है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जिसमें सी से कम नहीं हो सकता कभी भी वाई की वैल्यू, इसलिए वाई की वैल्यू टी प्लस एम कम से कम होगी, और उससे ज्यादा भी हो सकती है उस केस में जबकि इस रेशियो बढ़ता जाएगा। तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन फॉर रिप्रेजेंटिंग दिस फॉर्मूला। ये करेक्ट है, ये समझ पा रहे हैं आप लोग? कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? प्लीज रेज योर हैंड, या दोबारा से बताने की जरूरत है? बहुत कम ही लोग इसको समझ पा रहे हैं, मेरे लिए बहुत बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप लोग को नहीं समझेंगे तो। चलिए ठीक है, एक काम कीजिए, ये जो फार्मूला आपने फाइंड किया ना, उसी फार्मूला से पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या फॉर्मूला है आपका? टी इफेक्टिव इज इक्वल टू, अब आपका हो गया टी प्लस एम प्लस एक्स इंटू एम, ठीक है? जहां पे एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिस रेशियो। इस फॉर्मूला से फाइंड कीजिए,
बी इफेक्टिव, बताइए क्या रहा आंसर. सभी लोग यही फाइंड कर रहे हैं 140. इट इज वेरी इजी. 100 प्लस 20, मिस रेशियो आपका कितना हो जाएगा, अगर हिट, अगर आपका हिट 80% है तो मिस 20% होगा, 0.2 इनटू मेमोरी एक्सेस टाइम इज 2. तो दिस इज 120 प्लस कितना है ये, तो ये 100 है, 20 140, ठीक है 140 नैनोसेकंड. इस फार्मूले से फाइंड करना थोड़ा सा आसान हो गया, ठीक है, लेकिन ये फार्मूला आप डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते. ओके,